हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में एक दिक्कत अक्सर आपको भी आती होगी, देखिए क्या है वो। अगर आपके पास जो भी स्टॉक मौजूद है, तो यहां पे देखिए स्टॉक समरी दी गई है, तो यहां पे जो भी स्टॉक आपके पास मौजूद है आप उसी को सेल करते हैं, तो सेल्स वाउचर में जाने के लिए F8 प्रेस करते हैं और सेल्स वाउचर में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेफरेंस नंबर आपको डाल देना है। ठीक है, तो जो भी आपका रेफरेंस नंबर है वो डाल करके डेट आएगी जिस डेट पर आप सेल कर रहे हैं सामान को। और यहां पर आता है, जब भी उधार की खरीदी की बात आती है या उधार के विक्रय की बात आती है, बेचने की बात आती है, तो ऐसे कंडीशन में खरीदने के लिए क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर, और बेचने के लिए सन्ड्री डेटर पार्टी का नाम आता है। अदरवाइज तो कैश का लेजर यहां दिया होता है पहले से, बनाने की जरूरत नहीं। 99% मामलों में कैश का लेजर तो बनता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टी मैं बना के दिखाता हूं आपको, ऑल्ट सी प्रेस करना है और यहां पर एक पार्टी बना देता हूं, जैसे मुकेश लिख देता हूं, मुकेश। ठीक है, और यहां समझने के लिए मैंने डी लिख दिया ताकि आपको ये पता लगता रहे कि ये डेटर पार्टी है। ठीक है, ये कौन सी पार्टी है, डेटर पार्टी। तो सेल्स करते समय जब सेल करेंगे जिसको, वो आपकी डेटर पार्टी होगी, ये ध्यान रखिएगा। और यहां से सन्ड्री डेटर का ग्रुप चूज करेंगे, तो ये सन्ड्री डेटर का ग्रुप हो जाएगा, एंटर करेंगे। अच्छा, यहां पर भी देखिए, अगर आप यहां से मैं F11 प्रेस करता हूं, अगर आप ये मेंटेन इनेबल बिल वाइज एंट्री को चालू नहीं करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी। तो यहां पर इनेबल बिल वाइज एंट्री को चालू कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये दिक्कत हम मोल नहीं लेना चाहते। ये जो है एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बड़ी जरूरी है। ठीक है, अब ये कर दिया हमने, यहां पर एंटर 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 करके पहले इसको एक्सेप्ट कराते हैं। ये एक्सेप्ट करा लिया तो ये तो हो गया, हमारा लेजर तो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब वो लेजर किस नाम से बना हमारा, तो यहाँ पे देखिए ये जो लेजर है मुकेश डीर के नाम से, यही लेजर यहाँ पे इंसर्ट होगा। हम उधार बेचने की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है, और यहां पर आता है सेल्स अकाउंट का लेजर, तो सेल्स अकाउंट का लेजर लगा दिया। अब देखिए ये मुकेश जो है इन्हीं को ये सामान उधार बेचा जा रहा है, जो भी सामान है, जैसे शुगर है, तो 5 किलो शुगर मान लीजिए मुकेश को बेच दिया। ठीक है, तो यहां से देखिए गोडाउन बना रखा है, न्यू कॉलोनी गोडाउन में 10 किलो है, तो 5 किलो बेच देते हैं, 48 रुपए के भाव से बेचा जाएगा इनको। ठीक है, तो ये 48 रुपए के हिसाब से हमने बेच दिया, लेकिन अब बेच दिया तो इनसे पैसा लेना भी तो पड़ेगा हमको, कि पैसा छोड़ देंगे हम। ऐसा थोड़ी ना है कि हम दुकान, हमने दुकान खोल रखा है तो हम पैसे छोड़ देंगे, पैसा नहीं छोड़ेंगे हम। तो पहले तो इसको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, तो यहां पर इसको एक्सेप्ट कराता हूं, तो ये तो हो गई एंट्री, लेकिन अभी हमने पैसा रिसीव नहीं किया, तो रिसीविंग की अलग से एंट्री पास होती है टैली में, याद रखिएगा। तो रिसीविंग के लिए आप पेमेंट वाउचर में नहीं जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, पैसा रिसीव करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप सामान भी देंगे और पेमेंट भी करेंगे, ऐसा तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, F6 प्रेस करेंगे। और देखिए ये बड़ा आसान है, यहाँ पर आपको कुछ भी डेबिट क्रेडिट समझने की जरूरत ही नहीं। आप आपके जो डेटर पार्टी था उसका नाम क्या था, बस आपको यही देखना है यहाँ पर, तो मुकेश था, तो मुकेश डी करके था, तो ये लेजर लगाइए। और देखिए 240 रुपए इनका है, तो यहाँ से 240 डाल दीजिए। और ये देखिए ये फायदा है बिल वाइज डिटेल को चालू करने का, ये फायदा है। कर्सर अपने आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है AGST रेफरेंस, तो यहाँ पर कर्सर ऑटोमेटिक आ जाता है, और एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ नीचे डेबिट अपने आप आने लगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, कैश में हो गया, ये पेमेंट कर रहे हैं कैश में। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के पर्पज से टैली यूज होता है, घरेलू कामकाज के लिए नहीं यूज होता है। 18,000 रुपया घरेलू कामकाज के हिसाब किताब के लिए थोड़ी ना कोई खर्चा करेगा, तो इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जब दोबारा यहां जाएंगे ना, मुकेश का लेजर इंसर्ट करेंगे, तो यहां पे इनका बैलेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा रिसीव कर लिया, आपको कैश मिल गया, आपने एक पर्चा निकाल के दे दिया कि पैसा रिसीव हो गया। ठीक है, आई बात समझ में।